हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है फॉर 12th बोर्ड एज वेल एज फॉर जेई एंड नीट। तो चलिए बिना किसी देरी के आज करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज और किस तरीके से न्यूमेरिकल व्हीटस्टोन ब्रिज पर बनाए जाते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपना कॉन्सेप्ट जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। तो देखिए, अगर मैं आपको बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्सप्लेनेशन दूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट दिखते कैसे हैं, तो आप लोग बोर्ड पर ही ध्यान दें। यहाँ पर आपको अगर एक क्वाड्रिलेटरल पैटर्न में इस तरीके से 5 कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट दिखे, और एक बात और आपको बता देते हैं, हम लोग जो यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं वो कैपेसिटर अरेंजमेंट का डिस्कशन कर रहे हैं, यानी जो भी हम लोग यहाँ पर नेटवर्क बनाएंगे दीज आर फॉर कैपेसिटर्स, और कैपेसिटर के केस में हम यहाँ पर निकालेंगे बच्चों टोटल कैपेसिटेंस। ये रजिस्टर्स के केस में भी होता है, इसको हम करेंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको कराएंगे, बट उससे पहले हम लोग कैपेसिटर के लिए क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। यहाँ पर देखिए, आपको ये 4 कैपेसिटर का अरेंजमेंट दिख गया होगा और एक कैपेसिटर ब्रांच कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगी होती है। बच्चों, जब भी कभी भी आपको ऐसी शक्ल दिखे, ऐसा पैटर्न दिखे लाइक दिस, तो आपके माइंड में जो सबसे पहली बात हिट करनी चाहिए कि सर, ये व्हीटस्टोन ब्रिज को बिलोंग करता है। और एकदम सही बात है ये कि जब भी कभी भी ऐसा पैटर्न आप देखेंगे तो ये हमेशा बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज को ही फॉलो करता है। आप मान लेते हैं यहाँ पर कैपेसिटेंस C1, C2, C3, C4 एंड C5, और यहाँ पर मैक्सिमम 5 कैपेसिटर का अरेंजमेंट आपको दिखेगा। अब देखिए बच्चों, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में जो पढ़ रहे हैं वो है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं सर, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। देखिए, जब भी कभी भी ऐसा पैटर्न दिखे तो आपके माइंड में क्लिक करेगा सर, दिस वन इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब यहाँ पर ये बैलेंस कैसे है, तो बैलेंस के लिए बच्चों हमें कंडीशन चेक करनी पड़ती है। कंडीशन क्या है, आपको ये जो ब्रांच दिख रही है ना बच्चों, यहाँ पर दिस वन ब्रांच, दिस वन इज अ ब्रिज ब्रांच। अब आपको ये माइंड में खनक रहा होगा कि ये ब्रिज ब्रांच क्यों है सर, क्योंकि बच्चों इसे ऐसे समझें, आपके यहाँ से 2 रोड जा रहे हैं और इसके ऊपर हम लोगों ने क्या डाला हुआ है, एक ब्रिज डाला हुआ है, राइट। तो इस तरीके से हमने इसका नाम दिया है ब्रिज ब्रांच। अब क्या होता है बच्चों, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे चेक करते हैं। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग क्या करते हैं, आप मेरे शब्द को पकड़िएगा, ये जो ब्रिज ब्रांच है बच्चों, ब्रिज ब्रांच के अक्रॉस जो कैपेसिटर आ रहे हैं, ठीक है, उनका आप रेशो लीजिए, C1 upon C2 दैट शुड बी इक्वल टू C3 upon C4। मैंने क्या बोला, वापस से आप लोग सुनेंगे बच्चों, मैंने बोला ये जो आपको नेटवर्क यहाँ दिख रहा है इसमें ये है ब्रिज ब्रांच, तो आप क्या करेंगे, ब्रिज ब्रांच के अक्रॉस जो कैपेसिटर्स आ रहे हैं उनका रेशो लेंगे। जब आप रेशो ले तो ये कटना चाहिए ब्रिज ब्रांच, और अगर ये रेशो आपका बराबर आ गया, यू कैन सिंपली से सर द गिवन फिगर इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बच्चों, अगर ये बैलेंस हो जाता है तो हम क्या करेंगे, देखिए बैलेंस की कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ये जो ब्रिज ब्रांच है इसको लेबल कर देते हैं A and B। यहाँ पे हम लिखते हैं AB ब्रिज ब्रांच इज रिमूव्ड। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अगर हमारा ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया तो हम लोग इस ब्रिज ब्रांच को हटा दिया करेंगे। क्यों हटा दिया करेंगे, देखिए इसके पीछे रीज़न हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको बताएंगे, बट अभी के लिए छोटा सा रीज़न आपके लिए हम लोग दे रहे हैं। ये जो ब्रिज ब्रांच आपको दिख रहा है बच्चों, इस ब्रिज ब्रांच पे ये जो 2 पॉइंट है यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, बट बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में यहाँ पोटेंशियल बच्चों बराबर आ जाता है। दोनों जगह पोटेंशियल कैसा आ जाता है, बराबर। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप लेंगे यू विल गेट 0, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर इस ब्रांच में 0 है, हमें यहाँ पर क्या मिला, पोटेंशियल डिफरेंस 0। और अगर बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 0 है तो इसमें तो करंट जाएगा ही नहीं, और करंट नहीं जाएगा तो इसमें ये चार्जिंग नहीं हो पाएगी, कैपेसिटर 5 चार्ज नहीं हो पाएगा, और अगर ये चार्ज नहीं हुआ तो इसका फिर फायदा ही नहीं है सर्किट में, इसलिए हम लोग इसे रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करने के बाद आपका देखिए सर्किट क्या बनेगा, सर्किट लाइक दिस। यहाँ आपके कैपेसिटर्स बचेंगे ये इस तरीके से, ये आपका कैपेसिटर C1, C2,
C3 एंड C4। अब बच्चों ये बचेगा आपका गिवन सर्किट जैसे आप ब्रिज ब्रांच को रिमूव करते हैं। अब ये सॉल्व करना कितना सिंपल है, आपको क्या करना है यहाँ पर टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है। तो कितना सिंपल है देखिए, अपर टू किस में हो जाएंगे, सीरीज में। क्यों हो जाएंगे सर? बेटा चार्ज को जब आप फ्लो कराएंगे यहाँ तो डिवाइड हो गया, बट ये चार्ज इन दोनों में कैसा गया? सेम। और इधर से भी इन दोनों में कैसा जाएगा? सेम। तो ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, अगेन सीरीज में हो जाएंगे दोनों, फिर इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा, देन यू कैन सॉल्व इट। तो यहाँ पर इस तरीके से बच्चों आपको काम करना है। मैंने अभी क्या क्या बातें आपको बताई, जब भी कभी भी आप व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहली बात आपको ये पैटर्न देखना है 5 कैपेसिटर्स का। अगर ऐसा दिख रहा है यू कैन से दैट्स अ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में भी आप चेक करोगे बैलेंस, बैलेंस के केस में ब्रिज के अक्रॉस का रेशो बराबर आना चाहिए कैपेसिटेंसेस का। बराबर आने के बाद आप ब्रिज ब्रांच हटा देंगे, आपके पास एक सिंपल सा सर्किट बचेगा जहां पर आप सीरीज और पैरेलल कैलकुलेट कर सकते हो और देन आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये तो होगी बच्चों कहानी व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब हम लोग क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज पर कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कुछ एग्जाम्स क्या करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की शक्ल को बदल देते हैं। अब कैसे बदल देते हैं चलिए ये जानते हैं। तो बच्चों ये है हमारा सबसे पहला बेसिक सा न्यूमेरिकल जिसको आज हम करते हैं। अब देखिए आप कह रहे होंगे सर यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल शेप तो हमें नहीं दिख रहा है जैसा आपने अभी दिखाया था। बेटा आप याद रखना, शेप भले ही ना दिखे बट अरेंजमेंट वैसा दिखे ना, देन यू कैन ऑल्सो से दैट्स अ व्हीटस्टोन। देखिए मैंने आपसे बोला था 5 कैपेसिटर दिखने चाहिए, तो 5 कैपेसिटर है, काउंट कर लीजिए। अब बच्चों जब आप इसे देखेंगे ना, ऑब्जर्व ध्यान से करो, यहाँ पर देखो 4 तो ये लग रहे हैं, एक ये जो बीच में लग रहा है यहाँ पर, ये बिल्कुल ऐसा फील दे रहा है कि ये ब्रिज की तरह काम कर रही है ब्रांच। तो नो डाउट जो भी आपको फील आ रहा है इसे देखकर वो सही फील आ रहा है कि यहाँ पर ये ब्रिज ब्रांच हो गई, ये उसके अक्रॉस लगे हुए कैपेसिटर्स हो गए। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आपको थोड़ा सा भी भनक लग जाए व्हीटस्टोन है, तुरंत आप लोग बैलेंस की कंडीशन चेक करें। और बैलेंस की कंडीशन क्या होती है, ब्रिज के अक्रॉस, बच्चों ब्रिज के अक्रॉस कैपेसिटेंस का रेशो बराबर 1/3 इक्वल टू 2/6। ये मत करने लग जाइएगा सर 1/2 इक्वल टू 3/6। आप कह रहे होंगे सर ये भी तो बराबर आ रहा है, बट हर क्वेश्चन में ये बराबर नहीं आता, इसलिए गलत हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो आप लोग ब्रिज के अक्रॉस ही रेशो लीजिएगा। अब आप जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपको रेशो देखिए कैसा मिल रहा है, बराबर। तो आप क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और जैसे आपको बच्चों पता लग जाए कि ये बैलेंस्ड है, तो सिंपल सा काम क्या करना है बताइए, बस आपको यहाँ पर ये ब्रिज ब्रांच को हटा देना है, मिटोल दीजिए इसे। जैसे आप ये ब्रिज ब्रांच हटाएंगे तो देखिए आपका कुछ गिवन नेटवर्क ऐसा दिखने में प्रतीत होगा लाइक दिस। यहाँ पर कितना है 1, इधर वी हैव 3, बॉटम में कितना लिखा हुआ है 2 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड। आप देखिए बच्चों कुछ ऐसा आपको फिगर मिलेगा, राइट। अब ये फिगर तो आप कर लेंगे सॉल्व, चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये गिवन टू, ये किस में, सीरीज में। बच्चों ये अगर सीरीज में है तो आप इनका टोटल इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/C' इक्वल टू 1/1 प्लस 1/3। एलसीएम ले लीजिए, जैसे आप एलसीएम लेंगे 3 आएगा प्लस 1, यू विल गेट 4/3। अब बेटा इसको रिवर्स करना होता है, कर दीजिए, यू विल गेट 3/4 माइक्रोफेराड, राइट। लाइकवाइज बच्चों ये जो बॉटम में 2 है ये भी किस में, सीरीज में, 1/C" 1/2 प्लस 1/6, एलसीएम 6, 3+1 4/6 यानी 2/3 हो गया। बेटा रिवर्स करना होता है 3/2 माइक्रोफेराड। अब क्या करेंगे सर, बेटा अगर आपके इन दोनों के इक्विवेलेंट आ गए तो आप एक नया फिगर बनाइए ना, यहाँ पर इन दोनों को हटाओ एक लगाओ, इन दोनों को हटाओ एक लगाओ, यहाँ पे अपने टर्मिनल्स लगा दो बैटरी वाले, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का टोटल कितना है 3/4 लिख दो यहाँ पर, इन दोनों का टोटल कितना है 3/2, ठीक है। ये बनेगा बच्चों आपका एक नया सर्किट। अभी किस में आपको दिख रहा है, सिंपल सा पैरेलल में चार्ज डिवाइड होकर जा रहा है, और पैरेलल में क्या करते हैं, पैरेलल में बच्चों डायरेक्ट ऐड करते हैं 3/4 प्लस 3/2। यहाँ पर रेजिस्टर्स के रिवर्स में होता है सब कुछ। आपने 10th में जो रेजिस्टर्स में सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले पढ़े हैं बच्चों, उनका जस्ट रेसिप्रोकल यहाँ पर है। अब आप लोग यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा 4, यू विल गेट 3+6 दैट इज 9/4 माइक्रोफेराड इज योर आंसर। दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस। अब बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट व्हीटस्टोन ब्रिज प्रॉब्लम। अब आप कह रहे होंगे सर ये क्या हुआ, कैसे हुआ। देखिए बेटा
व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने क्या बताया था, आप बस बेटा वो जो फॉर्म है उसको ऑब्जर्व करो ध्यान से। चलो क्वाड्रिलेटरल सर देख गया, बट आपने बोला था बीच में यहाँ पे ब्रिज आता है, वो ब्रिज तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट व्हीटस्टोन। बेटा गलत आप सोच रहे हैं, और जो बच्चे मेरी तरह सोच रहे हैं कि सर अब आप बताइए क्या सोचना है, देखिए चलिए चार हो गए, पाँच होने चाहिए, पाँच यहाँ पर है, मैंने बताया था काउंटिंग वाइज पहले पाँच होने चाहिए, वो है। अब बच्चों ये जो ब्रिज ब्रांच है ना, इन्होंने इस ब्रिज ब्रांच को लगाया है, बट ये ब्रिज ब्रांच इन्होंने लॉन्ग वायर की मदद से साइड से लगा दी है ऐसे। इसको अगर आप लाकर यहाँ रख दें तो बेटा वो व्हीटस्टोन ही तो होगा, बस इन्होंने कंफ्यूज आपको कर दिया, शक्ल थोड़ा सा बदल दिया है, आपको ये ब्रिज का ब्रांच इधर साइड एक्सटेंड करके दिखा दिया है, तो बेटा कन्फ्यूज मत होइएगा। अब आप लोग क्या करें, इसे आप ऐसे बना सकते हैं नो डाउट लाइक दिस, ये आपका क्वाड्रिलेटरल शेप, यहाँ पर ब्रिज ब्रांच बना दीजिए, फाइव यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, ये आपके है ही है वन माइक्रोफेरेड, एंड दिस वन इज योर थ्री माइक्रोफेरेड, एंड दैट वन इज योर टू माइक्रोफेरेड, एंड दिस वन इज योर सिक्स माइक्रोफेरेड, राइट। बैटरी कनेक्शन यहाँ से हो रखा है दिस। तो बच्चों क्या ये सिंपल सर्किट है? बिल्कुल, मैं यहाँ पर बस आपको बेटा ये व्हीटस्टोन की शक्ल से अवेयर कराना चाह रहा था कि आप पहचान पाएंगे या नहीं इसे। अब आप लोग शायद समझ गए होंगे कैसे एक व्हीटस्टोन चेक करना है, क्या आप लोग इसे कर पाएंगे? बहुत सिंपल है बेटा, रेशो चेक करिए, पहले बैलेंस चेक करिए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, रेशो ब्रिज के अक्रॉस कैसा होना चाहिए बच्चों, बराबर। जैसे आप सॉल्व करेंगे 1/3 = 1/3, यस इट इज़ अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब क्या मैं इसको एज अ DIY प्रॉब्लम आपको दे दूं बच्चों? आप लोग इसे खुद करिएगा, डू इट योरसेल्फ, राइट। बहुत सिंपल है, ब्रिज हटेगा क्योंकि बैलेंस है, सीरीज सीरीज देन पैरेलल। अभी अभी लिटिल वाइल बैक वी हैड अ डिस्कशन अबाउट द सेम, आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आता कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले व्हीटस्टोन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग बस लेक्चर में ये देखते रहो कि सर जो भी व्हीटस्टोन के प्रॉब्लम्स हमें दे रहे हैं उनमें ये जो व्हीटस्टोन की शक्ल है कैसे कैसे बदल के आ सकती है, ठीक है बच्चों। ये है इम्पोर्टेंट वन, ये बच्चों ये है हमारा सबसे तगड़ा और बढ़िया सवाल, ठीक है, इसे मैं आपको कराना चाहता हूँ। देखते हैं कि आप लोग और मेरा दिमाग कैसा चलता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको बना लेते हैं, पहले तो फिगर कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, अब शुरू करते हैं। वैल्यूज़ हम लोग जॉट डाउन कर लेते हैं, 1 माइक्रोफेरड, नेक्स्ट वी हैव 2, एंड इन द मिडल वी हैव 5, नेक्स्ट वी हैव 3, एंड दिस वन वी हैव 6, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगेन आप लोग सोच रहे होंगे वही गाना बज रहेगा, ये क्या हुआ कैसे हुआ? नहीं बच्चों ये गाना नहीं बजना चाहिए, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ समझाने के लिए कि ये क्या हुआ, राइट। देखिए अब आप कह रहे होंगे सर व्हीटस्टोन का शक्ल तो आपने बोला था क्वाड्रिलेटरल समथिंग लाइक दैट। नहीं बेटा मैंने नहीं बोला कि क्वाड्रिलेटरल डिट्टो शेप, आप चिपकाइए माइंड में। आपको क्या करना है, पहले तो पाँच गिनने की, पाँच है या नहीं, 1, 2, 3, 4, 5। अब इन्होंने बच्चों वो जो ढांचा होता है ना, जो स्केलेटन होता है व्हीटस्टोन का, जो अभी मैं बना रहा था लाइक दिस, इसी को इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट एंड मोल्ड करके ऐसा बना दिया है। अब सर ये कैसे बना दिया, चलिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि ये ऐसे कैसे बनाओगे आप। इसमें आप देखिए क्या करना, मैंने आपको इतना तो बता ही दिया कि व्हीटस्टोन का ही सवाल है। अब यहाँ पर आप एक काम करिए भाई, जहाँ जहाँ जंक्शन आपको दिख रहा है वहाँ पे पॉइंट को डार्क कर दें, हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर नंबरिंग करिए, देखिए ए वायर है, ए पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल वी ए लिख दो, यहाँ B पॉइंट है तो यहाँ पोटेंशियल VB लिख दो। यहाँ पे बच्चों कुछ अलग होगा, यहाँ भी कुछ अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री वायर तो है नहीं, यहाँ पर पोटेंशियल मान लेते हैं दैट इज़ पोटेंशियल C, यहाँ मान लेते हैं पोटेंशियल D। बात समझ में आती है इतना? अब आपके पास चार पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसी गिविन सर्किट को मैं बच्चों क्या कर रहा हूँ, व्हीटस्टोन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, व्हीटस्टोन में कन्वर्ट करने के लिए क्वाड्रिलेटरल जैसा स्केलेटन होना चाहिए, तो वही काम यहाँ कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल जैसी शेप में इन पॉइंट्स को लोकेट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग पोटेंशियल ना लिखना चाहें, ए बी सी डी लिख दें तब भी सर्किट बन जाएगा। अब देखिए आपने पॉइंट्स लोकेट कर दिए, अब क्या करना है, इसके बाद कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर वहाँ करना है। ये देखिए मैंने क्या करा बच्चों, इन पॉइंट्स को स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर में मैंशन कर दिए, जैसे अभी मैंने आपको व्हीटस्टोन में बताया था, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना है बेटा, बहुत ध्यान से, राइट।
और पढ़ते वक्त ध्यान रखा करिए, अगर आपका मोबाइल आपके हाथ में, आप वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं और सामने टीवी भी चल रहा है, वहीं पर आपके भाई बहन खेल रहे हैं, तो बेटा इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन तो इस तरीके से बेकार ही हो जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, अपना एक सेपरेट टाइम चुनिए और वहाँ पर आप ही हों आपके लेक्चर के साथ, तब देखिएगा कितना आपका परफॉर्मेंस में ग्रोथ आता है। तो यहाँ पर सुनिए बच्चों, ए और सी, पोटेंशियल ए और पोटेंशियल सी, ये जो दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं उसमें एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड का। तो देखिए पोटेंशियल ए और पोटेंशियल सी से एक कैपेसिटर जोड़ दीजिए 2 माइक्रोफेरेड का, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब बच्चों पोटेंशियल सी और डी से एक जोड़िए 5 का, पोटेंशियल सी ए रहा, पोटेंशियल डी ए रहा, यहाँ पर जोड़ दीजिए, ये है 5। आगे आइए, ये हो गया, टिक करते जाते हैं, दोनों हो गए, इधर आ जाइए 1। 1 कैसे जोड़ेंगे आप, VA और VD से, VA और VD से, ये है आपका 1। आगे बढ़िए, VC और VB से, बेटा ऐसे इसे देखो, VC और VB से 6 है, VC और VB से है हमारा 6, और लास्ट कौन बचा, दिस वन, VD और VB से है हमारा 3। तो देखिए बच्चों, इट्स मैजिक, आप देख सकते हैं ये गिवन स्ट्रक्चर, गिवन नेटवर्क किस तरीके से मैंने वीडस्टोन में कन्वर्ट किया। और इधर आपके बैटरी के टर्मिनल हैं वो दिखा दीजिए, ठीक है। अब आप कर सकते हैं वेरी सिंपल 1, सबसे पहले क्या चेक करिए बच्चों, बैलेंस कंडीशन 2/6 = 1/3, इट इज बैलेंस वीडस्टोन ब्रिज, रेशो बराबर आ रहा है बच्चों। अब फिर क्या करना है, ब्रिज ब्रांच हटा देना आप लोग, जैसे आप लोग ब्रिज ब्रांच हटाएंगे तो आपको देखिए कुछ ऐसा नेटवर्क मिलेगा लाइक दिस, ठीक है। और ये ब्रिज ब्रांच गायब, यहाँ पे कितना है 2, इधर कितना है 6, इधर कितना है 1, इधर कितना है 3, राइट। ब्रिज हटा दीजिएगा। अब बच्चों क्या है, इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक, नाउ यू कैन डू। तो इसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं, इट्स अ DIY प्रॉब्लम, आप इसे खुद करिएगा, सीरीज एंड पैरेलल आंसर आपके सामने होगा। अब देखिए यहाँ पर बच्चों हमने 3 शेप डिस्कस कर ली वीडस्टोन की, अभी मैंने आपको 3 एड्रेस करी किस तरीके से वीडस्टोन बनता है। अब मैं एक साथ एक ही बार में आपको ऐसे पॉसिबल वीडस्टोन स्ट्रक्चर बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आप उनको प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए फटाफट से वो फॉर्म्स जान लेते हैं किस तरीके से वीडस्टोन को और मॉडिफाई करके पूछा जाएगा। देखिए वीडस्टोन को कुछ केसेस में इस तरीके से भी दिखाया जाता है लाइक दिस, ऑब्जर्व करिएगा बच्चों, यहाँ पर कुछ कैपेसिटर्स लगा दिए जाते हैं और 2 कैपेसिटर यहाँ हैं। अब आप देख सकते हैं बच्चों इस तरीके से भी आपको दिया जाता है वीडस्टोन ब्रिज, ये आपको 5 कैपेसिटर दिख रहे हैं, ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल शेप में ऊपर होता है ना पॉइंट, इसको नीचे की तरफ दबा दिया है, शिफ्ट कर दिया है और ये शेप तैयार हो जाती है, तो ये भी बच्चों वीडस्टोन है। सेकेंड फिगर की हम लोग बात करते हैं, देखिए कुछ ऐसे भी आपसे पूछ लिया जाता है इस तरीके से, ऐसा भी आपको दिया जाता है। और ये क्या है बच्चों, दिस इज ऑल्सो वीडस्टोन, कैसे सर, देखिए यहाँ पर C1, C2, C3, C4, C5, ये कैसे वीडस्टोन है, इन्होंने क्या करा है बच्चों, जो वीडस्टोन की कंडीशन है ना उसे थोड़ा सा मोल्ड कर दिया है। आपको ये दिख रहा है ये पोर्शन बेटा, इस पॉइंट को उठाकर अगर मैं इधर कर दूँ ये एकदम ऐसा हो गया जैसे आपके पेपर पेजेस को आप टर्न करते हैं, या फिर आपके घर में जब पराठा बनता है तो पराठे को देखा होगा पहले गोल रोल किया जाता है फिर उसके बाद हम उसे एक दूसरे के ऊपर पलटते हैं, तो ऐसे यहाँ पर किया है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसे इधर पलट दो, जैसे इधर पलटोगे तो देखो क्या आएगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है बड़ा सा, ये देखो ये रहा ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ एक लग रहा है लगा दीजिए सर, एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, ये C4 है आपका, ये C5 है, ये आपका C3 है, इतना क्लियर बच्चों। ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा वो पहले मैंने बना दिया है, फिर उसके बाद ये जो आपने इधर की तरफ पलटा है ब्रांच, इस ब्रांच में इधर है C1, इधर है C2, और बच्चों इधर है आपका टर्मिनल ए, ये ए टर्मिनल इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा बी टर्मिनल। तो क्या ये मैच कर रहा है वीडस्टोन से, तो होता वीडस्टोन ही है बट आपको फिगर को ऐसा तोड़ मोड़ दिया जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, तो आपको पहले से ही तैयारी करके जाना है, राइट। अब आपके पास डिजिट्स बस यहाँ पर दी होंगी, आपको सॉल्व करना है और चेक करना है कि ये ब्रिज ब्रांच, सॉरी चेक करना है कि ये बैलेंस है या नहीं, फिर आप ब्रिज हटाएंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है और आपके सामने क्या होता है बच्चों, आंसर। तो बच्चों ये 2 और पॉसिबल फॉर्म थी जिसमें वीडस्टोन के क्वेश्चन अराइज होते हैं, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से कैसे हम लोगों ने यहाँ पर वीडस्टोन के डिफरेंट सर्किट के साथ यहाँ पर डीलिंग करी। अब देखिए एक हमारे पास बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है जिसे आज हम करना चाहेंगे और इसी को कर हम अपने लेक्चर को आज करेंगे एंड, राइट।
बच्चों ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन सर्किट है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब देखिए आप हर बार माइंड में इसी मोटिवेशन से मत बैठना कि व्हीटस्टोन ही होगा ही, आप पहले सर्किट को देखेंगे और जितना पॉसिबल हो सके उतना आप खुद सिंप्लीफाई करेंगे, तब आपके सामने एक वेल डिफाइंड फॉर्म आएगी। तो फटाफट से शुरू करते हैं। कुछ कैपेसिटर हैं, अब यहाँ ये आइडियोलॉजी अभी मत लगाना सर 5 होने चाहिए तभी तो व्हीटस्टोन करेंगे। अब ऐसा नहीं है वीडियो व्हीटस्टोन की हम लोग बना रहे तो 5 ही बार बार बनाएं, पहले आप देख लो ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ अगर ए पॉइंट है तो यहाँ पोटेंशियल वी ए मान लेते हैं, यहाँ बी पॉइंट है तो यहाँ पोटेंशियल मान लेते हैं वी बी, राइट। अब बच्चों मैंने आपको एक वीडियो में समझाया हुआ है, वीडियो को मैंने मेंशन किया है, आई बटन में जाके आप देख सकते हैं। मैंने आपसे बोला था अगर आपके पास प्लेन वायर आता है यानी वायर के ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है जैसे ये, तो इसके ऊपर आप पोटेंशियल वही सेम ट्रांसफर कर सकते हैं ठीक है। यहाँ पर ये जो वी बी है इधर वी बी आ जाएगा, अभी ऊपर तो जाएगा नहीं, मतलब पोटेंशियल ऊपर जाता है वैसे बट कम होकर जाता है क्योंकि बीच में एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आ गया। हम इसे सेम ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर उतना ही पोटेंशियल यहाँ आ सकता है और उतना ही यहाँ पर आ जाएगा ठीक है बच्चों। ऐसा और कहीं हो पा रहा है, वी ए यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद वी ए बच्चों यहाँ पहुँच नहीं पाएगा क्योंकि कंपोनेंट है बीच में रिड्यूस होके पहुँचता है, इसलिए यहाँ पर हम लिख ही नहीं रहे ठीक है। कुछ ऐसा फिगर आपको मिलेगा। अब क्या करना है, अब बच्चों इसमें आप एक कॉमन पॉइंट देखिए, नीचे ये जो तीन अलग अलग जंक्शन आपको दिख रहे हैं, तीन अलग अलग पॉइंट, सब पर सेम पोटेंशियल है, तो क्यों ना हम तीनों को एक ही पॉइंट बना दें। देखें अगर आप इन तीनों को एक ही पॉइंट बनाते हैं तो सर्किट आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे, इन तीनों को आपने बना दिया एक पॉइंट वी बी, ध्यान से सुनना ऊपर कितने पॉइंट हैं, 1 2 3, इन पॉइंट्स को लगा दीजिए 1 2 3 राइट, और ऊपर बेटा आपका एक कैपेसिटर है उसे आप जोड़ दें ऐसे। अब इन तीनों को हटा के मैंने क्या करा बच्चों, एक पॉइंट लगा दिया। अब देखिए अब एक कैपेसिटर वी बी से कनेक्ट है, यहाँ से वी बी से, तो एक यहाँ से वी बी से जोड़ो, एक बेटा इस पॉइंट से वी बी से कनेक्ट है, इस पॉइंट यानी बीच का जो पॉइंट है यहाँ से एक जोड़िए चलिए, और एक जो है वी बी इससे कनेक्ट है ठीक है, इससे जोड़ दीजिए ऐसे, और ऊपर आपके दो है ही है, एक इधर एक इधर, देखा बच्चों आपको सभी का कैपेसिटेंस सी है ऐसे, इधर से एक टर्मिनल बैटरी के लिए निकाला हुआ है एक। इस सर्किट को ध्यान से देखिए, क्या इसमें कहीं व्हीटस्टोन है, बिल्कुल सर है, यहाँ बॉटम में आप देख सकते हैं एक व्हीटस्टोन लगा हुआ है बेटा, व्हीटस्टोन का फॉर्म है, 5 है टोटल, बीच में ब्रिज ब्रांच है, रेशो आपका बराबर आ रहा है तो आप ब्रिज ब्रांच को क्या कर देंगे, हटा देंगे। चलिए मैं यहीं पर मॉडिफाई कर देता हूँ, ब्रिज ब्रांच को हटा दें, जैसे आप ब्रिज ब्रांच हटाएंगे आपके पास ये बनेगा न्यू सर्किट। अब क्या करना है, बहुत सिंपल बच्चों, सीरीज फिर तीनों किस में हो जाएंगे पैरेलल, फिर आप इसे कर लेंगे आसानी से। अब बच्चों देखिए ये सीरीज़ में इनको सॉल्व कर लेते हैं, 1/C-1/C+1/C यू विल गेट 2/C, रिवर्स करिए C/2, इतना ही नीचे आएगा C"C/2, मॉडिफाई सर्किट देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ एक कैपेसिटर लगा दो, इधर भी एक लगा दो, और ये C/2 आपको मिला, ये भी C/2, ऊपर C है, ये आपका पॉइंट B है, ये आपका पॉइंट A है। अब इसमें ध्यान से देखिए, ए से अगर चार्ज आ रहा है बच्चों तो क्या वो तीनों में अलग अलग जा रहा है, बिल्कुल तीनों में अगर अलग अलग जा रहा है तो ये पैरेलल है, C"" कितना हो जाएगा C+C/2+C/2, एलसीएम लेके सॉल्व करें यू विल गेट 2C+C+C 2+3+4 4C/2, बच्चों आंसर यू हैव 2C। देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने व्हीटस्टोन के प्रॉब्लम सॉल्व किए। इन मीनवाइल आपको कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिखे होंगे, तो आप क्या करिए, वीडियो अगर नहीं समझ में आई दोबारा देखिए, नोट्स बनाइए अपने जिससे आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो ये है आज के लेक्चर का कॉन्सेप्ट, आई होप ये सब क्लियर हुआ होगा आपको बच्चों, जो भी डाउट है कमेंट करिए हम रिप्लाई करेंगे आपको। चलिए तो आज के लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं, अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू क्लास।